हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय एकेडमी चैनल। सो मेरा नाम है डॉक्टर आंचल सैनी और आज मैं आपके सामने जो नीट का क्रैश कोर्स है उसका जो डे सेकंड है उसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लास इलेवंथ का सेकंड चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो एरिस्टोटल, यहाँ पे एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया वो एरिस्टोटल ने दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन्होंने जो है वो कैसे करैक्टर्स को यूज किया। तो इन्होंने जो है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को यूज किया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो एक्सटर्नल जो करैक्टर्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, उनका इन्होंने यूज किया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। और इसके अलावा एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, एक तो वो जिनके पास आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, और दूसरे वो जिनके पास आरबीसी नहीं है। सो इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि लीनियस ने जो है वो क्या किया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो लीनियस के टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है एक तो हमारे पास किंगडम प्लांटी था और दूसरा जो है क्या था, किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने जो है वो ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये डेवलप किया और इसमें इन्होंने इंक्लूड किया प्लांट्स और एनिमल्स को। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या रह गया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, कि ये जो सिस्टम है ये जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, और जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में भी जो है इस सिस्टम में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा ग्रीन एल्गी है वो क्या है, दैट इज फोटोसिंथेटिक, जबकि हमारे जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उसमें एग्जाम्पल आ जाता है फंजाई का। तो इन्होंने जो है जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो ये एक इनके जो है ड्रॉबैक था इनकी क्लासिफिकेशन के। तो तीन ड्रॉबैक थे, क्या क्या ड्रॉबैक हमने पढ़े, एक तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, और थर्ड वन आता है कि जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था। नाउ नेक्स्ट हाइलाइटेड पॉइंट आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आपके पास करैक्टरिस्टिक्स थे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि जो हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, ठीक है, हेंस द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नेचर ऑफ द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इन नीड वॉज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करैक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। क्यों जो है ऐसा हुआ, मतलब जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको ही जो है वो फाइनल क्यों नहीं माना, आगे जो है वो अदर जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सिर्फ जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है कि यानी कि एक्सटर्नली हम जो अपने प्लांट्स हैं उनको किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं वही जो है वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं था, एक जो है वो बहुत ज्यादा नीड जो थी, किस चीज के लिए नीड थी, फॉर इंक्लूडिंग अदर करैक्टरिस्टिक्स, कि अदर करैक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड किए जाएं, ठीक है, मतलब जो भी क्लासिफिकेशन करनी है प्लांट्स की एनिमल्स की उसमें जो है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के दौरान जो है जो अदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ द वॉल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है इन सबको इंक्लूड किया जाए। सो फिर अब देखिए इससे ज्यादा बेहतर था हमारा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने और उससे ज्यादा बेस्ट था हमारा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये टेबल आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल।
सो इस टेबल में जो है हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम्स कौन कौन से थे। एक था आपका मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस टेबल को अभी आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ याद कर लेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सेल टाइप की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। तो इसके लिए याद रखने के लिए ट्रिक है एमपी, एमपी मध्य प्रदेश स्टेट है ना, तो वहां से आपको याद आ जाएगा। तो एम से मोनेरा, पी से प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल देखिए यहाँ पे मोनेरा के केस में नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की नहीं बनी है, तो किस चीज की बनी होगी, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। लेकिन प्रोटिस्टा के केस में अगर हम देखें तो कुछ है कि प्रोटिस्टा के केस में सेल वॉल होती है, ठीक है। फंजाई के केस में देखें तो सेल वॉल होती है लेकिन किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांटी के केस में सभी जानते हैं कि प्लांट्स के केस में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल्स के केस में हम जानते हैं कि सेल वॉल हमारे पास क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा के केस में देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके केस में, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो ड्यू टू दैट कि मोनेरा के केस में यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, बाकी सबके केस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे पास में, ठीक है। फिर आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे मोनेरा के केस में जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा के केस में भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, या फिर लूज टिश्यू की फॉर्म में जो है वो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब या तो लूज टिश्यू की फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। प्लांटी के केस में अगर हम देखें तो देखिए टिश्यू या ऑर्गन लेवल हो सकती है, जबकि एनिमेलिया के केस में टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि मोनेरा के केस में क्या है, जो फीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा कम एडवांस्ड है, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे फीचर्स और भी ज्यादा एडवांस होते जाएंगे। जैसे एनिमेलिया के केस में अगर हम देखें तो जो भी फीचर्स हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के देखने को मिलते हैं। फिर पढ़ेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो वो है आपका मोनरा के केस में, क्योंकि मोनरा हमारे ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, हिटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, हिटरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, जबकि प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी आपके ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं लेकिन ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और साथ में हिटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। फंजाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो क्या है, फंजाई हमारे हिटरोट्रॉपिक होते हैं, प्योरली हिटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जिसमें ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्लांट्स की बात करेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हम सबको पता है। और अगर हम एनिमल्स के केस में देखें, किंगडम एनिमेलिया के केस में देखें तो ये क्या होते हैं, हिटरोट्रॉपिक होते हैं। हिटरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो सकती है, इनमें सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो सकती है। सो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज गिवन बाय आरएच विटिकर इन 1969, और उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए थे, नंबर वन सेल स्ट्रक्चर, नंबर टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया यूज किए थे वो सारे आ जाते हैं, एक तो सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो एक दो बार अगर आप पढ़ोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्या क्या है, सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है और क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आता है पॉइंट, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका, जैसे कि जो हमारे क्लेमाइडोमोनाज हैं और स्पाइरोगायरा हैं, दे वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। मतलब जब इनिशियली जो है वो क्लासिफिकेशन की गई थी तो हमारे जो क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगायरा हैं उनको एक साथ रख दिया गया था अंडर द एल्गी,
ठीक है, एल्की के अंडर ही दोनों को रख दिया गया था. सो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिट्रोट्रॉपिक ग्रुप. ये जो क्लासिफिकेशन थी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी बिटवीन द हिट्रोट्रॉपिक ग्रुप, यानी कि जो फंजाई होते हैं जैसे वो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, और जो आपके जैसे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, आपके ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है, दो दे हैड शोड ए क्रैक्टेटिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन. जैसे फंजाई के केस में अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. जब इन characteristics को जो है वो consider किया गया तो fungi को फिर separate कर दिया गया. मतलब अब kingdom planti अलग से हो गया हमारा, ठीक है, और kingdom जो fungi है वो अलग से हो गया. So all the prokaryotic organisms were placed together under the, और जितने भी prokaryotes थे उनको एक साथ रख दिया गया कौन से kingdom में, अभी अभी हमने बात की, under the kingdom monera. जबकि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आते हैं. तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं एक तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हमने देखा कि मोनेरा को छोड़ के और बाकी सारे के सारे किंगडम्स में हमने क्या पढ़े, यूकैरियोटिक ही पढ़े. सिर्फ अकेला हमारे पास मोनेरा ही था जिसमें हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं. सो और बाकी जो है अगर हम प्रोटिस्टा में देखें तो प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन द एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल्स. देखिए पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है आपकी, ठीक है, उनको जो है वो पहले एल्गी में रखा गया था. देवर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, प्लांट्स के साथ जो है इनको पहले रखा गया था, राइट. और उसके बाद जो है इनको इकट्ठे लाया गया, कौन सी किंगडम के अंडर इनको लाया गया, अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. उसके बाद इनको अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा लाया गया. तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है जिनको जो है वो पहले वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, दे वर ब्रॉट टूगेदर, ठीक है. सो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टूगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी. नेक्स्ट आता है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपका आता है कि जो फाइलोजेनेटिक वर्ड है, फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब होता है. तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर अगर कोई चीज बेस्ड है सो दैट इज द फाइलोजेनेटिक. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में. किंगडम मोनेरा में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. दिस इज इंपॉर्टेंट. दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो इधर उधर ये पाए जाते हैं, ठीक है. अगर हम अपने आसपास में देखें तो बैक्टीरिया जो है वो एबंडेंटली पाए जाते हैं, जो कि कौन से किंगडम में आते हैं, जो कि आपके आते हैं किंगडम मोनेरा में, राइट. उसके बाद देखेंगे आगे, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ही ये पाए जाते हैं. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, है ना. दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा. अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए, एज ये हमारा क्रैश कोर्स टाइप है. थोड़ा हम स्पीड से करेंगे और थोड़ा प्रोडक्टिव तरीके से चीजों को करेंगे. सो बैक्टीरिया को जो है वो चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी शेप के आधार पे. सबसे पहले अगर स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है तो उसको आप कोकस बोल देते हो, और अगर आपका रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उसको बेसिलस कहा जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. अगर आपका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है तो उसको स्पार्लम कहा जाएगा. अगर आपका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, आप देख सकते हो, अगर आपका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विब्रियो बोलते हैं. तो ये शेप के आधार पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है. उसके बाद एक पॉइंट आता है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सो कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट.
सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ एक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और दे मे बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक मीन्स कुछ केमिकल्स का यूज यहां पे करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। जबकि जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया की अगर आप बात करो तो वो क्या होते हैं, हिटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे क्या हैं, हिटरोट्रॉफिक हैं। उसके अलावा कुछ एक हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। सो बाकी नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।